है पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। निगाह है पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांग लूं, क्योंकि मैं एक घंटा लेट आई हूँ। लेकिन एक घंटा लेट इसलिए आई कि तीन जगह पे धरना था और हमें लगभग आधा आधा घंटे का राउंड गांव में से लगा लगा के फिर हाईवे पकड़ो, फिर हाईवे पकड़ो, फिर दस दस जगह पूछो ये रास्ता किधर जाएगा। लेकिन मैं भले गाड़ी में बैठी थी पर मेरा मन तो यहाँ था, एक एक मिनट में भागती हुई घड़ी को देख रही थी। मैं सोच रही थी कि इन धरने वालों के कारण कितने लोगों का समय जा रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समय बड़ा अमूल्य है। लेकिन फिर भी समय की और बाबा की बलिहारी मुझे आप सब बैठे मिल गई। कोई कोई एकाध शायद उठ के चला भी गया हो, किसी को घर का काम होगा, किसी को देरी हो रही होगी। लेकिन मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी थी।
इसलिए आज का जो हमारा विषय है वो भी नया है एकदम। जैसे हम कहते हैं कर्मों की गहन गति, ऐसे ही सजाओं की गहन गति। एक मैंने और मुरली पढ़ी थी जिसमें बाबा ने बोला था जमा की गहन गति, लेकिन आज हम केवल सजाओं की गहन गति पे चर्चा करेंगे। एक मुरली आई थी जनवरी के आसपास, उसमें मम्मा की लास्ट में छोटी सी मुरली थी। उसमें मम्मा ने कहा था कि भक्ति मार्ग में जैसे लोग कहते हैं भाई धर्मराज सजा देता है, मार देता है पाप करने वालों को, तो मतलब भगवान मारता है, मार देता है, मार का सागर है। लेकिन मार का सागर होने से पहले वो प्यार का सागर है। तो पहले वो अपने प्यार के सागर के रूप से आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है ताकि वो मार से बच सके। लेकिन जब वो उसके प्यार को समझती नहीं, प्यार को स्वीकार नहीं करती, तो फिर ये तो आखिरी हथियार है मार वाला। तो और जैसे साकार मुरली में आता है कि देह त्यागने के बाद सूक्ष्म वतन में एक सेकंड में सजा मिलेगी, लेकिन वो एक सेकंड की सजा ऐसे लगेगी जैसे मैं बरसों से सजा भोग रहा हूँ। तो इस पर भी कई भाई बहनों के मन में सवाल उठता था कि भाई एक सेकंड कितनी छोटी होती है, एक सेकंड में ऐसी कैसी लगेगा कि मैं जन्मों की सजा भोग रहा हूँ और शरीर भी नहीं है, तो वो कैसी सजा होगी। लेकिन भगवान का प्रेम भी यूनिक है और भगवान की सजा भी यूनिक है। हम प्रेम की चर्चा कर लेते हैं। जो भगवान एक सेकंड में जन्म जन्म के प्रेम की अनुभूति करा सकता है, वो भगवान एक सेकंड में जन्म जन्म की मार की अनुभूति भी करवा सकता है। तो भगवान ने एक सेकंड में प्रेम की अनुभूति कैसे करवाई, जैसे बाबा ब्रह्मा के तन में आए और बच्चे सामने आए। आज या कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, पहले छोटा सा कमरा था, उसके बाद बड़ा कमरा हुआ। पहले 10x10 का कमरा था, फिर ब्रह्मा बाबा ने एक दीवार तोड़ी, दो कमरे मिलाए, तीन मिलाए, चार मिलाए, फिर वो छोटा पढ़ने लगा। तो बाबा ने हैदराबाद में जो बाहर सिटी से बाहर एक ओम निवास था उसमें फिर बाबा ने बच्चों को रखा, बच्चों का हॉस्टल खोला, समर्पित बच्चे भी वहीं रहे। तो कई आत्माएं थी जो भागवत पढ़ती थी, सिंधी लोग गुरबानी पढ़ती थी, भागवत में कृष्ण ने कैसे प्रेम किया, उस प्रेम की प्यासी थी। तो जैसे ही बाबा के सामने आई, बाबा की दृष्टि पड़ी, ओम की धुनी हुई, साक्षात्कार हुआ, उनको लगा अरे हमको तो जन्म जन्म का भगवान का प्यार मिल गया, हमारी प्यास बुझ गई, हमको तो लगता है कि हम जन्म जन्म से भगवान के पास ही हैं, पिछला जीवन भूल गया, आगे के जीवन की चिंता नहीं है। तो वो प्यार के सागर में डूब के क्या कहती हैं कि भाई हमको तो इतना प्यार मिल गया, इतना प्यार मिल गया कि बस और कुछ अभी चाहिए ही नहीं। प्यार कितना मिला, पहले दिन आई साक्षात्कार हुआ, उसी दिन से ये अनुभव हो गया। ये तो 14 साल वाले बच्चों का अनुभव है। 14 साल के बाद जब बाबा आबू में आए और दिल्ली कानपुर मतलब बाकी नए नए बच्चे नए नए स्थानों के आने लगे, तो उनको भी बाबा ने गोद में लिया। बाबा मम्मा सामने बैठे होते थे और बच्चे पहले बाबा की गोद में जाते थे, तो गोद में जाने का टाइम तो लिमिटेड होता था, 10 बच्चे भी हैं तो सबको बांट के ही टाइम मिलेगा। लेकिन उसमें जैसे बच्चे गोद में जाते थे तो अशरीरी हो जाते थे भाई, सिवाय आत्मा सितारे के कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और ऐसे लगता था कि मैं उस आत्मलोक में उस सितारों की दुनिया में जैसे असीम शांति में डूबा हुआ हूँ। बाबा का शरीर है कि बाबा कौन है कि मेरा शरीर है, सब भूल जाता था। फिर बाबा थपकी देते थे तो
तो वो उठते थे लेकिन उठने को मन नहीं करता था। कोई कोई बच्चे होते थे दोबारा गोदी में सो जाते थे ज़बरदस्ती, तो कैसे उठाएंगे। फिर बाबा थपकी देते थे, फिर दूसरे की बारी आती थी, ऐसे ही मम्मा की गोदी में जाते थे। अच्छा, ये बात 50 के बाद की है, कोई 55 में मिला, कोई 56, 57, 58 जो भी मिला। और उनमें से बहुत सारे भाई बहन अभी भी हैं, माउंट आबू में तो मिल जाते हैं सेंटरों पे, जैसे मैं रमेश दीदी हैं बाबा से मिली हुई हैं। पंजाब में कोई कोई बहन मिलेगी, एक कैथल की पुष्पा बहन है वो बाबा से मिली हुई हैं, बाकी पुरानी बहनें चली गई। माउंट आबू में थोड़े से हैं, ब्रिजमोहन भाई हैं, आत्म प्रकाश भाई हैं, मोहन सिंगल भाई हैं, या करुणा भाई जी हैं, एक बीके कॉलोनी में भी है एक बहुत बुजुर्ग भाई। तो वो जब 18 जनवरी को अपना अनुभव सुनाते हैं, तो बाबा की गोद में वो आज से समझो 60 साल पहले गए थे, 65 साल पहले गए थे, लेकिन जब अपना अनुभव सुनाते हैं ना तो इतना तरोताज़ा होता है वो अनुभव, जैसे अभी भी वो गोद में बैठे ही हैं या अभी अभी गोद से होके आए। गोद में एक मिनट गए लेकिन वो अनुभव कितने साल चल रहा है, 60 साल, 70 साल, और एकदम फ्रेश। वो कहते हैं हमको तो लगता है हम तो ब्रह्मा बाबा की गोद में अब भी बैठे हुए ही हैं। तो एक मिनट का प्यार 60 साल चल रहा है, 70 साल चल रहा है, तो एक मिनट की सजा जिसके प्यार में इतनी ताकत है उसकी सजा में भी तो इतनी ताकत होगी। जब वो प्यार से ऐसे देखता है तो चुंबक की तरह आत्माएं खिंची आ जाती हैं, और जब वो ऐसी आंख दिखाएगा तब क्या होगा, मतलब उसकी दोनों आंखों में ताकत है, चाहे प्यार वाली हो चाहे मार वाली हो। ये तो हमने बाबा की बात सुनी। बाबा के बाद जो बाबा के अनन्य रतन थे उनकी भी एक सेकंड की आप कहानी सुनेंगे तो वो भी कम नहीं है। अब जैसे एक बार दादी गुलजार पांडव भवन से निकली गाड़ी में, और एक बिल्कुल नया युगल आया, मुझे दादी से मिलना है, तो कहा कि दादी तो जा रही है, तो वो बैठी थी, वो कांच हटा दिया आगे की खिड़की का, कांच हटा दिया, और कांच हटाने के बाद उन्होंने दादी को बस झांक के देखा, क्योंकि जा रही है ना, और दादी की दृष्टि पड़ी और वो युगल ज्ञान में चल पड़ा। एक दृष्टि किसी का जीवन बदल सकती है, जीवन तो बहुत लंबा होता है ना, 60 साल का, 70 साल का, तो उससे कोई पूछेगा भाई आप ज्ञान में क्यों आए, तो वो कहेगा बस दादी की दृष्टि पड़ी और हमें ऐसी अनुभूति हुई कि हम तो यहीं के होके रह गए। अनन्य रत्नों की भी एक सेकंड की दृष्टि में कितनी ताकत। एक बार मनोहर दादी पानीपत में आई थी, मैं भी साथ में थी, 2005 की बात है। उन्होंने पंजाब के बहुत सारे सेंटरों का, पंजाब हरियाणा के बहुत सारे सेंटरों का दौरा किया था। तो जब वो पानीपत में थी तो पानीपत में मेरी एक जानी पहचानी बहन थी, मैंने उसको फ़ोन किया कि दादी आई है हमारी, वो ज्ञान में नहीं थी, लेकिन आप आओ तो सही, मिलो तो सही एक तपस्वी आत्मा से। तो उसने कहा मैं ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसने कोई गिफ्ट लिया और वो पानीपत आश्रम पे आई, और दादी को किसी प्रोग्राम में जाना था, तो मैंने बोला दादी ये बहन आपसे मिलने आई है, आप इससे एक मिनट मिल लीजिए। दादी ने कहा जल्दी बुलाओ, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मैंने उसको कहा आप दादी को अपना गिफ्ट पकड़ाओ, दृष्टि लेना, आँखों में देखना, और फिर दादी आपको प्रसाद देगी, और फिर दादी को प्रोग्राम में जाना है। तो बोला ठीक है। वो गई कमरे में, गिफ्ट पकड़ाने में कितनी देर लगती है और दादी को टोली देने में कितनी देर लगती है, बस इस सेकंड की प्रक्रिया हुई, वो कमरे से बाहर आ गई और दादी जाके गाड़ी में बैठ गई। फिर जब वो घर पहुंची तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहती है आपकी दादी की आंखों में जादू है क्या,
मैंने बोला तपस्वियों की आंखों में जादू तो होता ही है। तो बोला मैं आश्रम से निकल के और सड़क पे आई, फिर बाजार को पार करके अपने घर की तरफ आई तो मुझे बाजार दिखाई नहीं दिया, मुझे आपकी दादी की आंखें दिखाई दी, बस वो दो आंखें जिन आंखों से उसने मुझे देखा था। फिर मैं घर आई, अब देखो घर में मुझे मेरे घर की दीवारें नहीं दिख रही हैं, दीवारों पे वो दो आंखें ही दिख रही, और दादी ने मुझे इतने प्यार से देखा। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इतने प्यार से तो मेरी माँ ने भी कभी मुझे नहीं देखा। तो क्या था? तो मैंने बोला देखो ये तपस्विनी है, बचपन से इन्होंने भगवान को याद किया, सबका भला सोचा, सबका कल्याण किया, तो वो बल आँखों में होता है, और फिर ये जब किसी को देखते हैं तो आँखों के माध्यम से वो सारा बल उसको मिल जाता है। अब वो बल है, सूक्ष्म बल है, कोई जादू कोई चमत्कार नहीं है। वो बहन आज ज्ञान में है। तो एक सेकंड की दृष्टि जीवन बदल देती है, इतना प्यार अनुभव करा देती है कि इतना प्यार से मुझे किसी ने भी नहीं देखा। बोलती तो है ही नहीं दादियाँ, केवल दृष्टि ही तो देती हैं, एक सेकंड की दृष्टि। ऐसे ही 2005 में बड़ी दादी बीमार थी, दादी प्रकाशमणि, तो एक सूरत से बहन आई थी, परिवार आया था, डायमंड बिजनेसमैन थे वो, मेरी थोड़ी जानी पहचानी थी वो, तो मैं उसको मिलाने ले गई दादी से। तो दादी थोड़ी बीमार थी, तो मेरे मन में था दादी अब ज़्यादा बात नहीं करती है, हालचाल भी ज़्यादा नहीं पूछती है, ये थोड़े VIP टाइप लोग हैं, पर चलो। तो मैं लेके गई, और एक वो फ्रेम शिव बाबा का दादी ने मंगवाया और उस युगल को पकड़ाया, हलचल भी नहीं पूछा, बात भी नहीं की, दृष्टि दी और वो पकड़ाया और टोली दी, बस। फिर हम बाहर आ गए, तो मेरे मन में थोड़ा आया कि थोड़ी बात करते तो, लेकिन वो जैसे ही कॉटेज से बाहर निकले वो तो दोनों उछल रहे थे, कहती दादी ने ऐसी दृष्टि दी, जबकि वो बीके नहीं थे, बीके लोग तो दृष्टि का महत्व समझते हैं, दादी की नज़र हम पे पड़ी, हम तो निहाल हो गए। अरे दादी की नज़रों में क्या जादू है, दादी की नज़रों में क्या कमाल है। तो मेरे मन में जो थोड़ा संकल्प था ना वो ख़त्म हो गया, मैं खुश हो गई कि अरे एक सेकंड में ही इनको जो चाहिए था वो मिल गया, तो मुझे अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये है प्यार, एक सेकंड का प्यार, चाहे बाबा का चाहे बाबा के अनन्य रत्नों का। और अब बात आती है प्यार के अनुभव से हम बदल जाएं, प्यार के अनुभव से हम इतना पुण्य इकट्ठा कर लें कि हमारा पिछला चुट्टू हो जाए। तो हम तो प्यार प्यार में यहाँ पले और प्यार प्यार में ही धर्मराजपुरी को भी क्रॉस कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ भगवान के प्यार को पूरा ले नहीं पाए और बदल नहीं पाए, और हमारा हिसाब किताब कुछ बच गए, तो बचे हुए जो हिसाब किताब हैं, जो कर्ज हैं बचे हुए, उनको चुकतू करने के दो स्थान हैं, एक धरती और एक आसमान। आसमान मतलब सूक्ष्म वतन। तो धरती पर कौन से हिसाब किताब चुकतू होते हैं और आसमान में कौन से चुकतू होते हैं, अब ये भी समझने की बात है। आपको याद होगा एक मुरली है 10 दिसंबर 1984 की, ये मुरली तब चली थी जब भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। पुराने भाई बहन जानते हैं भोपाल में एक कंपनी थी जिसकी गैस लीक हो गई थी, वो जहरीली गैस थी। उस जहरीली गैस के कारण भोपाल में
कई लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी, कई लोग बेहोश हुए थे, कई लोग विकलांग हुए थे, कईयों के शरीरों में कई तरह के डिफेक्ट आ गए थे। बाद में उस कंपनी पे मुकदमा भी चला था। हमारी भी दो बहनें भोपाल आश्रम पे थी, उनका भी दम घुटने लगा था, तो उन्होंने बाबा से पूछा था कि बाबा अब हम क्या करें, और उनको टचिंग आई थी कि आप रजाई ओढ़ के सो जाओ, जैसे कोई बदबू आती है तो अपन नाक के आगे कपड़ा लगा लेते हैं तो उससे बच जाते हैं, तो रजाई ओढ़ना माना बाहर की जो हवा है शायद वो कपड़े से छनके आती होगी, जो भी हो रजाई ओढ़ने के बाद उनका दम नहीं घुटा और हवा में से जब वो पोल्यूशन थोड़ा कम हो गया उसके बाद उन्होंने वो रजाई हटाई और वो जिंदा रही, और दोनों बहनें मधुबन आई और मधुबन के स्टेज पे उन्होंने अपना ये अनुभव सुनाया। और फिर जब बाबा की मुरली चली, हम भी उस समय मधुबन में शायद गए हुए थे या अगले ग्रुप में गए तो पिछले ग्रुप की बात सुनाई गई होगी, ऐसा कुछ होगा, तो बाबा ने जब मुरली चलाई तो एक बच्चे ने बाबा को पूछा कि बाबा आजकल इतनी जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु क्यों होता है, अकाल मृत्यु इतनी क्यों होती है, क्योंकि उस गैस कांड में काफ़ी लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी। तब बाबा ने कहा था कि अब ये अंतिम जन्म है, इसके आगे और जन्म तो कलयुग में है नहीं कि भाई हिसाब बाकी छोड़ दिए जाएं, चलो आगे कर लेंगे। अब जैसे हम आज का काम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, कल भी तो आएगा ना, तो चलो कुर्ता आधा सिलाई किया आधा कल सिल लेंगे, छोड़ देते हैं, पर कल आना ही नहीं है तो क्या करेंगे, आज ही पूरा करेंगे। तो कलयुग के बाद युग बदल जाएगा, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, अगला जन्म आना नहीं है, तो आत्माओं के हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू हो रही। हिसाब चुकतू होने के सबसे अच्छे तरीके हैं जल्दी जन्म और जल्दी मृत्यु। अब जन्म और मृत्यु हिसाब कैसे चुकतू कराते हैं, क्योंकि सन्यासी लोग भगवान को कहते हैं भगवान जन्म मरण के दुख से छुड़ाओ, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख है वो जन्म मरण का दुख है, और वो साधना करते हैं कि हम जन्म मरण से छूट जाएं। अब जन्म मरण क्यों कष्टकारी है उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक उग्रवादी है, उसने 40 लोगों की हत्याएं की, एक हत्या के बदले एक फांसी होती है, एक कानून। अब उस उग्रवादी को फांसी दे दी गई, एक ही फांसी मिली ना एक जीवन में, तो एक हत्या का हिसाब तो चुकतू हो गया, बाकी कितनी हत्याओं का हिसाब रह गया, 39। अब 39 का हिसाब उसके सिर पे है, बोझ उसके सिर पे है, वो उतरे बिना वो परमधाम नहीं जा सकता, और भी बहुत सारे, ये तो हमारी काउंटिंग में है, पिछले जन्मों के, इस जन्म का उग्रवादी होगा तो पिछले जन्मों का और भी बहुत है, पर मोटा मोटा हम 39 का उसके ऊपर बोझ। अब ये अदालत जो नहीं कर सकती वो फिर वो वाली अदालत करती, सूक्ष्म अदालत करती, तो अब 39 का इसको कैसे मिलेगा, सजा कैसे मिलेगी, ये एक माँ के गर्भ में जाएगा और उल्टा लटकेगा, और माँ भी 9 महीने जी भर के दवाइयाँ खाएगी, 5-10 हज़ार की तो खा ही लेगी, रोज़ वो भी उल्टी लटकी रहेगी, आज ये दुखता है आज ये दुखता है। चलो 9वें महीने इस आत्मा ने आँख खोली, और आँख खोलते ही फिर आँख बंद हो गई,
क्योंकि इसको आयु का वरदान नहीं, क्योंकि ये सजा भोगने आई थी आत्मा, और आंख बंद होते ही ये फिर किसी और के गर्भ में जाके उल्टी लटकेगी, वहां भी इसका दम घुटेगा, इसकी माँ का भी दम घुटेगा, और ये 9 महीने के बाद आँख खोलेगी, और आँख खोलते ही फिर बंद हो जाए। घर के लोग कहेंगे हाय हमारा बच्चा, अरे ये आपका बच्चा था ही नहीं, ये सजा भुगतने आया था। कहते मेरा है सो जाए नहीं, जाए वो मेरा नहीं। और आयु का वरदान एक बहुत बड़ा वरदान है। जब कोई अच्छा काम करता है तो हमारे अंदर से निकलता है, क्या निकलता है, जुग जुग जियो, ये आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद ऑटोमेटिक निकलता है। धन का तो अपन बाद में देते हैं, विद्या का तो अपन बाद में देते। एक छोटा सा बच्चा आपको आपके पांव दबाता है, आपको पानी का गिलास पकड़ाता है, तो सबसे पहले क्या मुंह से निकलेगा, बेटा तू लंबी आयु जी, सिर पे हाथ रखते हैं भाई तेरी आयु लंबी हो। और जो कोई इसके ओपोजिट काम करता है उसके लिए मुख से क्या निकलता है, ये आशीर्वाद, ये बद्दुआ नहीं निकलती कि तू गरीब हो जा, सीधी एक ही अंदर से निकलती है, कोई बोले ना बोले, आप समझ गए मैं नाम क्यों लूं। तो आज के जमाने में कितने लोगों को ये दुआ मिलती है कि आयु लंबी हो, मेरे हिसाब से तो गिनती के लोगों को ये दुआ मिलती, बहुत कम लोगों को ये दुआ मिलती है। हमारे पास है दुआ, लेकिन ऐसा कोई काम करने वाला दिखता ही नहीं है जो बिना सोचे समझे एकदम निकल जाए। मतलब कलयुग की अंतिम जनरेशन को लंबी आयु का वरदान नहीं है, लंबी आयु की दुआएं नहीं हैं। इसलिए कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई दंगों में, कोई हिंसा में, कोई लापरवाही में 20 साल का 18 साल का चलो कुछ आयु गई, लेकिन जो मैंने बताया 39 वाला केस वो एक अलग केस है, वो भी एक विधि है, बिल्कुल ही ना मिले। अब कईयों के मन में ये सवाल आएगा कि चलो बच्चे का तो दोष है, वो माँ का क्या दोष, माँ भी तो कष्ट पाती है ना, माँ का दोष है। जब ये उग्रवादी था तो वो माँ इसके दोस्त की बहन थी, और जब ये उग्रवादी अपने दोस्त से मिलने आता था तो वो खूब मलाई दूध पिलाती थी उसको, या उसकी हथियारों को रखने की जगह रखती थी, या उसके कपड़े धुलाई करके देती थी। मतलब समाज विरोधी कार्य करने वालों की वो कहीं ना कहीं सहयोगी थी। पिछले जन्म में फीमेल नहीं थी, मेल रूप में सहयोगी थी, अब अगले जन्म में उसको वही तो याद आएगी, कनेक्शन वाले के पास ही हिसाब किताब भुगतेगी। माँ का भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, किसी ना किसी रूप में होता है। तो जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु, ये दुनिया में आप देख रहे हो ना, हिसाब किताब चुकतू होने के लिए प्रकृति की तरफ से ये एक ऐसी विधि है जिसके ऊपर किसी का वश भी नहीं, आया और गया, आया और गया। अब बात आती है उसी मुरली में जो बाबा ने आगे बताई कि अगर हमारा योग ज्वालामुखी है और हम निरंतर योगी हैं और बहुत अच्छे से हम मर्यादा श्रीमत का पालन करते हैं तो हमारे बहुत सारे हिसाब किताब तो चुकतू हो जाते हैं, पुरानी संस्कार खत्म हो जाते हैं, पुरानी आदतें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर जीरो नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ बच जाती हैं, बचती हैं,
यज्ञ में हम अभी बड़े बड़ों की भी बात करेंगे, तो वो जो बचती हैं उसको चुकतू करने के यहाँ तीन तरीके हैं साकार लोक में, योग के अलावा। योग बल तो एक चीज़ बाबा ने दी हमें, वो तो भगवान प्रदत्त है। भगवान प्रदत्त योग बल के अलावा तीन और तरीके हैं जिनसे हमारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं, और उन तीन तरीकों से भी अगर नहीं हो पाते तो फिर लास्ट में ऊपर होते हैं। तो पहला हो गया योग बल। अब जैसे तीन तरीकों में एक है शारीरिक कष्ट, उसके भी दो तीन पहलू हैं, उनकी चर्चा करेंगे। दूसरा है संबंधों के द्वारा कष्ट, उसका भी बहुत विस्तार है, उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और तीसरा है प्रकृति के द्वारा कष्ट, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब हम यज्ञ के कुछ बड़े लोगों को ले लेते हैं। अब जैसे ब्रह्मा बाबा को खांसी थी, साकार मुरली में आता है बाबा कहते हैं बाबा आप मेरी खांसी ले लो, मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा करूँगा। कभी कभी बाबा शिव बाबा को ऐसे बोलते हैं, मुरली में आता है तो शिव बाबा कहते हैं देख बच्चे तेरा कर्म भोग तेरे कोई भोगना है, मैं तेरा रथ लेता हूँ इसके बदले किराया देता हूँ। तो बाबा को ज़्यादा बीमारियाँ नहीं थी, एक शुगर थी, लेकिन बाबा का जीवन बहुत ही मर्यादित था, तो वो खान पान में बहुत मर्यादित थे, तो इसलिए शुगर उन्हें कभी परेशान नहीं करती थी। हाँ कभी कभार मुरली में खांसी थोड़ी बहुत आती थी, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी पर आती थी। और जो साकार बाबा के बच्चे 18 जनवरी को मधुबन में थे, वो ये भी बताते हैं कि जो लास्ट मुरली बाबा ने चलाई 18 जनवरी की रात को जो मुरली चलाई, उस मुरली में बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। उस मुरली की ऑडियो आपको YouTube पे मिल भी जाएगी, उसमें बाबा ने विशेष एक बात अंडरलाइन कराई है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, वो बात बहुत अंडरलाइन कराई है, तो आप सुन सकते हैं उसमें खांसी की आवाज़ नहीं। शायद कर्म भोग वो लास्ट दिन था, विदाई ले गया होगा, बाबा को इतना हिसाब किताब था। उसके बाद हम मम्मा पे आते हैं। मम्मा ने रात दिन तपस्या की, और मम्मा तो साक्षात सरस्वती मैया थी, धरती पे थी ही नहीं, देह में होते भी देह से बिल्कुल परे थी। मम्मा को बीमारी आई, हम सब जानते हैं, अभी अभी हमने मम्मा डे मनाया है, उस पर बहुत चर्चा सुनी होगी, मम्मा को भी बीमारी आई। उसके बाद बड़ी दादी, बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी, दीदी मनमोहिनी को ट्यूमर था, बॉम्बे में इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, एक महीना कोमा में रही। बाद में बाबा ने रहस्य खोला कि ये कोमा में नहीं थी, इसने ये कहा था कि बाबा मुझे वतन का अनुभव करना है। तो बच्चे समझते थे ये कोमा में है, पर बाबा ने बच्ची को वतन में रखा हुआ था। और एक भोग के संदेश मुरली है या संदेश है, बाबा दीदी से बात कर रहे हैं कि बच्ची ये भोगना नहीं है, ये नई दुनिया की योजना है। उसके बाद दादी प्रकाशमणि, दो साल उनका भी कर्म भोग चला। 2005 में वो पहली बार बीमार हुए थे, तब मधुबन का एक बहुत बड़ा ग्रुप हैदराबाद गया हुआ था, मोहिनी बहन हमारे साथ थी, कॉल आया था दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मीटिंग छोड़ करके और तुरंत मधुबन पहुंची थी। ये 2005 जून की बात है। और उसके बाद दो महीना ठीक, फिर बीमार, ऐसे करते करते फिर 2007 अगस्त में दादी अव्यक्त हो गई। तो ये लास्ट का दादी का भी थोड़ा पीरियड रहा। उसके बाद उससे पहले जगदीश भाई 2001 में, जगदीश भाई 12 मई को गए और बीमार
तो पिछले 3-4 साल से थे वो। लंदन में भी इलाज हुआ, दिल्ली में भी हुआ। तो जब वो बीमार थे तो दादी गुलजार वतन में गई और बाबा को पूछा कि बाबा ये आपका इतना अनन्य बच्चा, इतना सेवाधार, इतना अनासक्त, इसको कुछ भी नहीं चाहिए और इतना निरहंकार, इतना बुद्धिमान होते हुए भी कभी बुद्धि का अभिमान नहीं, कभी आगे आने की इच्छा नहीं, इतने बड़े बड़े यज्ञ के काम करता है और गुप्त हो जाता है, इसको इतना कष्ट क्यों? क्योंकि बीमारी थोड़ी लंबी तो चली ना और थोड़े कमज़ोर भी हो गए थे। तो बाबा ने कहा कि इस बच्चे ने कहा है कि बाबा मुझे ऊपर सजा नहीं भोगनी। तो बच्चे ने अपनी सारी सजाएं यहाँ पे चुकतू कर ली, क्योंकि हम आत्माएं पिछले 63 जन्म से इस सृष्टि पे, इस सृष्टि का यूज कर रही हैं, उपभोग कर रही हैं, और अनजाने में हम सब ने कुछ ना कुछ किया है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, तो वो लंबा हिसाब है ना हमारा, और ये जन्म हमें छोटा मिला है। अब दादियों की बात देखी जाए तो कोई दादी तो 10 साल की आयु में ज्ञान में आ गई, वो भी फर्क पड़ता है। जगदीश भाई ज्ञान में आए एटलीस्ट 20-25 के तो थे, वो भी फर्क पड़ता है, मतलब उतना कम समय तपस्या का मिला। और कोई 10 साल से, गुलजार दादी 9 साल से ही आ गई, वो भी फर्क पड़ता है। पर जो भी हो, जिसको जितना समय मिला और उस समय का उसने पूरा सदुपयोग किया तो सजाएं कट गई। कोई ज्ञान में लंबे समय से सदुपयोग नहीं किया तो ढेर का ढेर बचा हुआ ही है अभी, ये भी है। हम एक साथ दो काम कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भाई तुमको 1 करोड़ तुम्हारे पे कर्जा है, तुमको उतारना है, तो वो एक नौकरी ढूंढता है 50,000 रुपये महीना। सुबह 6 बजे जाता है और 2 बजे आता है, 8 घंटे 50,000 कमाता है, तो थोड़े दिन में उसका कर्जा उतर जाएगा। थोड़ा खाता है, थोड़ा पहनता है, थोड़ा खर्च करता है। लेकिन उसको ये भी कहा जाए कि 1 करोड़ कर्जा उतारना है और 1 करोड़ जमा भी करना है, तो उसको डबल काम करना पड़ेगा। 2 बजे आके फिर कोई शाम को पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। तो हमारे साथ ऐसा ही है भाई, तुमको 1 करोड़ उतारना भी है, वो द्वापर कलयुग वाला, और इस जन्म में भी ज्ञान में आने से पहले पता नहीं किस किस ने कैसे कैसे अपराध भी किए होंगे, वो उतारना है। साथ ही सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आपका भाग्य कैसा होगा वो भी अभी जमा करना है। तो एक साथ अब हमारी डबल कमाई, इसलिए हमें फुर्सत नहीं, सबसे अधिक बिजी हैं हम, एक सेकंड भी हम खाली नहीं रह सकते, मन को खाली नहीं रख सकते। सेवा के बिना, याद के बिना, पुण्य का खाता जमा किए बिना, नहीं तो ना उतरेगा और ना जमा होगा। इधर तो मन चाहा जमा नहीं हुआ और उधर पूरा उतरा नहीं। तो ये तो मैंने एक समझाने के लिए बात कही, लेकिन जगदीश भाई के लिए बाबा ने ये गुह्य राज बताया। अब इस गुह्य राज को आप सब जो यज्ञ के महारथी हैं उनके ऊपर लागू करो। भाई मम्मा क्यों बीमार हुई, इतनी तपस्विनी होते हुए भी, आयु छोटी थी। अगर मम्मा को भी ड्रामा अनुसार दादियों की तरह 80 साल लोग लगा के अपना पुरुषार्थ कर सकती थी, पर ड्रामा में आयु उसकी थी क्योंकि उसके थ्रू बाबा को और सेवा करवानी थी। सरस्वती का कोई बड़ी एज का फोटो ही नहीं है, वो तो है ही यंग। इतनी आयु में उसको ये चुकतू करना है और विश्व महारानी का भविष्य जमा भी करना है।
तो उसके लिए योग भी और साथ में हिसाब किताब चुकतू की ये विधि भी। लेकिन महारथियों के जो बीमारी से हिसाब किताब चुकतू होते हैं उसकी एक विशेषता है। उसकी विशेषता ये है कि उन्हें खुद बीमारी का कष्ट अनुभव नहीं होता और बीमारी उनके योग में बाधक नहीं बनती। अगर बीमारी योग में बाधक बन जाए तो वो तो फिर घाटा हो गया, बीमारी आई योग चला गया। लेकिन बीमारी भी है और योग भी है, जिसको बाबा ने कहा था कर्म भोग को कर्म योग में बदलो। तो इन सब ने कर्म भोग को कर्म योग में बदला, जिसके कारण इनका डबल जमा हुआ, योग से भी जमा हुआ और वो जो शरीर भुगत रहा है उससे भी जमा हुआ। ये जमा कर रही हैं, देखने वाले सोच रही हैं अरे इनको बीमारी क्यों आई। जैसे कई लोग दुनिया वाले होते हैं वो कहते हैं भाई आप तो ब्रह्मचारी हो, शुद्ध खान पान खाते हो, शुद्ध जगह रहते हो, आपको बीमारी क्यों आती है। कोई बीके बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में जाता है, या कई बीके भी ये सवाल उठाते हैं दादियाँ बीमार क्यों हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा सजा को नीचे भुगतोगे तो वो फायदेमंद है, ऊपर भुगतोगे तो वो बहुत नुकसानकारक है। अब नीचे सजा भुगतते हैं तो फायदेमंद कैसे हैं, बहुत फायदे बीमार होने के, ऊपर की भेंट में बहुत फायदे, कई गुना फायदे। अब जैसे कोई बीके बीमार हो गया तो हम जितने भी बीके बैठे हुए हैं, अब तो हम बहुत हो गए, पहले भी बाबा के बहुत बच्चे होते थे, अभी बहुत ज़्यादा हो गए, तो हम क्या करते हैं, अरे फलाना बीमार है उसका हालचाल पूछो, उसके लिए योग करो, अच्छा ये पूछो उसके पास दवाई के पैसे हैं या नहीं, चलो अपन मिल करके उसकी मदद करें। और बीमार को देखो अव्यक्त बाबा के सामने ले जाते थे, व्हील चेयर पर कितने गए आपने देखा, तो बाबा सेब देता था, बाबा दृष्टि देता था, किसी किसी को बाबा वरदान भी देता था, भाई जल्दी ठीक हो जाओगे, ये तो ऐसे ही छोटी सी बात है ऐसे। अब जिसमें भगवान की दृष्टि मिले, भगवान की दुआ मिले, भगवान से टोली मिले, ब्राह्मणों का प्यार मिले, भगवान ब्राह्मणों का सहयोग मिले, ब्राह्मण हमारे लिए योग करें, कितना योगदान हो गया, हमारे लिए सहानुभूति रखें, सच्चे दिल की दिखावटी नहीं। और जब ऊपर भगवान आंख दिखाएगा तो कौन सेब देगा, कौन टोली देगा, कौन बच्चे बाकी आएंगे, अरे भगवान ने आंख दिखाई चलो अपन मदद करें। लौकिक दुनिया में भी जब बाप प्यार करता है तो बाकी भाई बहन भी दौड़ दौड़ के प्यार करते, और जब बाप आंख दिखाता हाथ में डंडे ले लेता है तो बाकी बच्चे सारे छिप जाते, कहते भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो बाप के हाथ में डंडा है। तो जब हम धरती पे हैं तब तो भगवान भी प्यार कर रहा है, जब तक इस शरीर में कुछ भी हो गया भगवान सूक्ष्म रूप में हर बच्चे को प्यार भी करता है, बल भी देता है, दुआ भी देता है। साकार में था तब भी, अव्यक्त था तब भी, और अभी सुपर अव्यक्त हो गया तो भी, लेकिन उसकी शुभ भावनाएं एक समान। तो बताइए बीमारी अच्छी चीज है कि नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा था आपके सिर पे एक मण बोझ रखा हो और उसमें से कोई आधा उतार ले तो आप क्या कहोगे, थैंक्स कहोगे, वाह वाह कहोगे कि नहीं, तो वाह बीमारी वाह, तुम जो योग लगा के नहीं उतार पाए वो बीमारी उतरवा गई, तो वाह बीमारी वाह। इसलिए बाबा की बहुत सारी साकार और अव्यक्त मुरलियाँ चली हैं, बीमारी में दिल छोटा नहीं करो, बीमारी में
बीमारी में दुखी नहीं हो, जो चीज़ आई है वो चली जाएगी, हिसाब किताब तन का है, आप आत्मा साक्षी होकर के हिसाब चुकतू करो। देखो कितनी मुरलियाँ बाबा ने तन के हिसाब के लिए चलाई, शरीर तो पुराना ही है, पता ही है इसको कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, लेकिन आत्मा तो नहीं बन रही है ना। अभी दादी गुलजार 2-3 साल बंबई में रही, तो कई बच्चों के मन में आया कि दादी तो बाबा का रथ था फिर दादी। लेकिन अगर आप एक बुक बटी थी अभी दादी की, जो अभी जो दादी की पुण्यतिथि आई थी, कितनी तारीख, 11 मार्च उसमें एक बुक बटी थी, एक एवर हेल्दी की नर्स है नम्रता, उसकी लिखी हुई थी, पतली सी बुक थी, शायद थोड़ी थी, सबको नहीं मिली होंगी, सब गए भी नहीं होंगे क्योंकि दिल्ली वालों को ज़्यादा बुलाया था उसमें। एक बुक अभी हम बना रहे हैं दादी गुलजार के अनुभवों की, बनके पूरी हुई है, लास्ट टच उसका बाकी है, फिर वो काउंटर पे आएगी, आप लोग उसको खरीदना पढ़ना। तो उसमें वो बहुत बहुत नई नई बातें उसमें आपको मिलेंगी जो आपने कभी नहीं जानी होंगी, वो किताब कोई मिस नहीं करना पढ़ना। क्योंकि दादी गुलजार की बात ये थी कि दादी गुलजार दिल्ली में ज़्यादा रहती थी क्योंकि वहाँ की इंचार्ज थी वो, और मधुबन में जब आती थी तो कॉमनली मिलती नहीं थी, अंतर्मुखी थी दादी, बड़ी दादी भी कहती थी दादी को अंदर मतलब कारोबार भी नहीं दो और ज़्यादा मिलना जुलना, मधुबन निवासियों से भी कभी कभार कहते थे गुलजार दादी की मुलाकात होगी क्लास होगी, बहुत रेयर, तो दादी आई क्लास की और चली गई, कोई व्यक्तिगत बातें नहीं होती थी। बाकी जो दादियाँ थी वो बहुत घुलती मिलती थी, उनकी ब्राह्मणियाँ भी बहुत घुलती मिलती थी, लेकिन जैसे दादी रिजर्व थी उसकी ब्राह्मणी भी रिजर्व थी, भाई वह अंदर रहती हैं तो ब्राह्मणियाँ भी अंदर ही रहती। तो दादी गुलजार के नज़दीक बहुत सारे बीके भाई बहन नहीं आए, मिलना चाहते थे पर मिल नहीं पाते थे, और दादी मधुबन में थोड़ा रह के फिर दिल्ली चली जाती थी, तो दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, तो दिल्ली के छोटी छोटी बहनों को भी अनुभव है, जोन इंचार्ज से तो मिलना ही पड़ेगा ना कारोबार में, तो दिल्ली वालों के ज़्यादा क्लोज रही। पंजाब वाले भाई बहन जो थे उन्होंने दादी को अधिकतर दूर से ही देखा, मधुबन के भी ऐसे बहुत भाई बहन हैं जिन्होंने दादी को दूर से ही देखा, पर जिनकी कभी पांडव भवन में सेवा हुई तब उन्होंने दादी को क्लोज से देखा, फिर उन्होंने दादी के बारे में जो अनुभव किए वो लिखे, तो ऐसी उसमें आपको बहुत बातें मिलेंगी जो कभी हमने जानी नहीं सुनी नहीं। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो नम्रता बहन नर्स थी, 2-2.5 साल दादी के साथ रही, तो दादी का डॉक्टर आता था बिना अनस्थीसिया के, वो चीरा लगा के कांटा लगाते हैं ना, अनस्थीसिया की आवश्यकता नहीं। आप सोचो जिसके शरीर को अनस्थीसिया की आवश्यकता नहीं उसकी स्थिति कैसी रही होगी, हमको तो एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए मच्छर भी काट जाए तो कितनी देर तक मलते रहते। और दादी को पूछते थे दादी आपने नाश्ता किया, तो दादी कहती थी हाँ, कहाँ किया, वतन में किया, क्या खाया, मीठे के साथ पराठा खाया था। दादी आपने मुरली पढ़ी, यहाँ पढ़ी, कहाँ पढ़ी, वतन में पढ़ी, वहाँ की मुरली अलग प्रकार की होती, डॉक्टर कहता था ऐसे हो जाओ ऐसे हो गई, ऐसे हो जाओ ऐसे हो गई, ना कभी उसने अपनी रिपोर्ट पूछी कि मेरी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में क्या है, करने वाले जो कर रहे हैं वो करते रहे, मुझे उनको सहयोग देना है बस, बाकी मैं बाबा के पास। तो इन आत्माओं ने निमित्त मात्र हिसाब चुकतू किया, बाकी अपनी कमाई जमा की। तो जो तीन प्रकार की धरती पर सजाएं चुकतू होती हैं, मैंने दादियों की इसलिए चर्चा की कि बहुत आपसे भी सवाल पूछते होंगे, ब्राह्मणों में भी किसी के मन में ये बात आ जाती होगी, तो ये
आप समझ जाएंगे तो आप उत्तर ठीक से दे पाएंगे। अब जो शारीरिक रूप से सजा मिलती है उसका एक पहलू है शारीरिक बीमारी, एक पहलू है मानसिक, याददाश्त खत्म हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, पागलपन हो जाना। पागलपन एक भयंकर बीमारी है, व्यक्ति चीज़ें उठा देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है और भूत प्रेत की प्रवेशता हो, ये सब बीमारी में शामिल। शारीरिक बीमारी के अलावा मानसिक रूप से याददाश्त खत्म होना, पागलपन होना, ये बाबा ने बताया है। 1984 की मुरली आप पढ़ना, 10 दिसंबर की, और ओपरी आत्मा का प्रवेश होना। लेकिन जो ओपरी आत्मा है वो उसी में प्रवेश होती है जिससे उसका हिसाब किताब, भले मैं उसके पास बैठी हूँ तो वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं क्योंकि मेरे से उसका हिसाब नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस सभा में आ रहा है, इस सभा में कोई व्यक्ति आ रहा है, वो देखता है मैं कहाँ बैठूं, फिर उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, कहता है अरे ये तो वही है, इसने मेरे 1,00,000 रुपए लिए थे, फोन ही नहीं उठाता, इसी के पास बैठता हूँ, पूछूंगा उसके पास क्यों बैठा, उसके साथ हिसाब किताब है, वहीं बैठ गए। तो ओपरी आत्मा भी किसके पास जाएगी, हिसाब किताब है उसी के पास, यही तो है जिसने पिछले जन्म में ये किया था, वहीं जम के बैठ जाए। इसलिए आप घबराना नहीं कभी किसी से, कोई भी हो कितना भी हो, अगर आपका हिसाब नहीं है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक विधि बीमारी, दूसरी विधि मित्र संबंधियों के द्वारा हिसाब किताब चुकतु होना। आप देखते हो ना आजकल के युग में क्या हो रहा है, सारे के सारे कष्ट आते ही मित्र संबंधियों से। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं मित्र संबंधियों की शिकायतें लेके आते हैं, भाई मेरा एक तो पति पत्नी के झगड़े तो बेशुमार है, पत्नी ने पति को जेल में डाल दिया, पति ने पत्नी को जेल में डाल दिया, ये तो रोज की कहानी है, या फिर टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर दिया, फिर मेरे खाते से मेरे फलाने ने पैसे निकाल लिए, मेरे कागज गाड़ी के चुरा लिए, गाड़ी ले ली, मेरे मकान के कागज चुरा के बेच दिया, मुझे पता ही नहीं पड़ा मैं सड़क पे आ गया, या किसी और व्यक्ति से मेरा बिजनेस ही ठप करवा दिया, ये सब कहानियाँ आप सुनते, या गलत रिश्ता करवा दिया, या गलत लोगों से मिल करके और मेरा नुकसान करवा दिया, वगैरह वगैरह बहुत प्रकार के रिश्तेदारियों के झगड़े उलझे हुए। ओम शांति जी, आइए बहन जी, स्वागत है आपका, एक कुर्सी रख लीजिए भाई। सभा में मेरी एक बाल्यकाल की सखी आई है मायापति बहन, भाई साहब को भी एक चेयर दे दीजिए, आओ बहन जी बैठो, मैं अपनी क्लास पूरी करूँगी। दीदी एक सेकंड, डॉक्टर संदीप सूरी का भी आपको सम्मान करना है, उनको जागरण अखबार की तरफ से अवार्ड मिला है, तो वो क्लास में। अच्छा तो मैं क्लास को 5-7 मिनट में पूरी कर दूँ, हाँ ठीक, ओके। उसके बाद प्रकृति द्वारा सजा, तो प्रकृति मतलब इतनी बरसात आई मेरा घर बह गया, भूकंप में चला गया, या प्रकृति के जानवर मच्छर मक्खी तकलीफ देते हैं, ये वायरस फैलता है, ये सब प्राकृतिक सजाएं। तीनों तरीके से ऊपर नहीं मिलेंगी। उसके बाद भी अगर बच गई, योग बल होने के बाद और इन सजाओं के बाद हमारी आयु पूरी हो गई और बच गई,
तो वो बची हुई फिर ऊपर, और 174 की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा बाबा है प्रेसिडेंट और अष्ट रतन है चीफ जस्टिस, तो बाबा तो केवल हाँ या ना करेगा, फाइनल फैसला तो ये करेंगे। तो ये सब दादेंगे और बाबा ने कहा है जो सजा खाएगा फिर उसको पद भी कम मिलेगा। मोचरा खा के मानी, पहले सजा खाई फिर पद कम हुआ, डबल नुकसान हुआ। इसलिए जो हिसाब किताब है वो इसी शरीर में हम यहीं पे चुकतू कर लें, फायदा है। इसलिए कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है तो हाय हाय नहीं करो, लेकिन वाह वाह करो। हाय हाय करते हैं तो वो और ज़्यादा उलझ जाती है। जैसे मान लो मैं गलत काम करती थी, किसी ने शिकायत की, पुलिस पकड़ने आई, मैंने पुलिस को ही पीट दिया, तो देखो मेरा क्राइम और बढ़ गया, मेरी सज़ा और बढ़ गई, मेरा पेनल्टी और बढ़ गई। फिर मैंने जज को भी आंख दिखा दी, तुम कौन होते हो, अब देखो डबल ट्रिपल हो गया। अरे भाई मैं दोषी हूँ तो मैं चुपचाप सहन करूँ ना तो मेरा कट जाएगा, पर जो निमित्त बनते हैं मैं उन्हीं को आंख दिखा देती। तो ये बातें निमित्त बन करके हमारा हिसाब चुकतू कराने आती, इसलिए इनको देख करके घबराओ नहीं, वाह वाह बोलो हर बात में, वाह 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 बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बीमारी वाह, वाह परिस्थिति वाह, और वाह मैं, और वाह मेरा परिवार। ओम शांति। भाई हमारी जो मायापति बहन है, हम लोग 9th और 10th में इकट्ठे पढ़े हैं, और एक लांधड़ी यहाँ है, वहाँ से बहन जी अभी रिटायर हुई हैं 1 महीना पहले। तो मैंने कहा बहन जी आपने इतनी जनता की सेवा की है, सेवा भी बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि नर्स रही हैं। अब नर्स की सेवा तो भाई अनकाउंटेबल होती है, जिए दान देती है। ऐसे तो टीचर की सेवा भी बड़ी है, लेकिन हेल्थ इश्यू आजकल इतने बढ़ गए हैं, जीने मरने का सवाल भी हो जाता है। तो बहन जी ने क्या क्या सेवाएं की वो तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी, लेकिन उस उपलक्ष में हमने बहन जी को आमंत्रित किया, और साथ में हमारे भाई साहब हैं बहन जी के युगल, तो हम दोनों के स्वागत में ज़ोरदार ताली बजाते हैं। और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि इनके स्वागत सम्मान का सामान सामने ले आई, बाद में मायापति बहन दो शब्द बोलेंगी, पर पहले हम सम्मान कर लें। ये बहन जी विजय का तिलक है, अभी तक विजयी रही हो, आगे भी सदा विजयी रहना। बहनें आपको गुलदस्ता भेंट कर रही हैं। बहन जी लाइक बोल ये हमारी मायापति बहन जी हैं, परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय आध्यात्मिक रुचि वाली मेरी अति स्नेही क्लासमेट बहन मायापति। अपने स्कूल टाइम से बहुत हंसमुख मिलनसार कर्मठ नम्रचित और गुणग्राही रही। शिक्षा पूर्ण होने के बाद 4 नवंबर 1987 को आपने
नर्स नाइटिंगेल की तरह से दया और करुणा से ओतप्रोत हृदय वाली नर्स के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। मरीजों को आपने जो ममतामयी छांव दी, उसका परिणाम ये निकला कि सेवा काल के 35 वर्षों में से 27 साल आपके लांदड़ी कस्बे, हिसार के पास है, उसमें बीते। लांदड़ी कस्बे के लोगों ने आपको बहुत बहुत प्यार और सम्मान दिया। जब आपका तबादला हुआ तो मात्र 9 महीने के अंदर आपको वापस कस्बे में ले आए। लांदड़ी के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हरेक के दिल को आपने जीता। हर व्यक्ति के घर के और दिल के दरवाजे आज भी आपके लिए सदा खुले हैं। विशेष महिलाओं की डिलीवरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मामले आपने इतने प्यार और सहानुभूति से हैंडल किए कि माताएं आप पर कुर्बान हो गई। समय के अनुसार भले ही आप सेवानिवृत्त हो गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने दिल से आपको निवृत्त नहीं किया। आपकी करुणा ने आपसे समाज में अनेक भलाई के कार्य करवाए जो अभी भी निरंतर चलते रहते हैं। आपकी इन सेवाओं के प्रति हमारा भी दुआओं भरा आभार। हमें गर्व है कि आने वाली पीढ़ियाँ आपके इस सेवा कार्य से प्रेरणाएँ लेती रहेंगी। आज के समय में सेवा के किसी भी क्षेत्र में अनेक परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आती हैं, उनको आपने अपने मनोबल से, चरित्र बल से सामना करते हुए 31 मई 2022 को सफलतापूर्वक सेवानिवृत्ति की मंजिल पर पहुँची हैं। ये गौरव का विषय है। सेवा के इन वर्षों के दौरान अनेक विपरीत संस्कारों वाली आत्माओं से सामना भी हुआ होगा, फिर भी सबके साथ प्रेम से निभाते हुए निर्विघ्न ये सफर तय किया, इसकी बहुत बहुत बधाई। हमारी शुभकामना है कि आपके सेवानिवृत्ति के ये शेष दिन बहुत खुशी और उमंग में बीतें। आप एक छायादार वृक्ष बनकर अपने परिवार और समाज को स्नेह और सहयोग की छाया देने के निमित्त बने। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में भगवान शिव की छत्र छाया और मानव मात्र की दुआएं आप पर सदा बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। एक मिनट, आप दो मिनट कुछ बोलेंगी? आइए डॉक्टर संदीप सूरी। जब मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बहन जी का, और हम नौवीं दसवीं में इतनी मस्ती किया करते थे बहुत ज़्यादा, और ये पता भी नहीं चलिया कि किस इस और कब गए, नहीं तो ये इतने इंटेलिजेंट थे। 502 नंबर ये आए थे इनके, आल हरियाणा में पहले नंबर पर थे ये पढ़ाई में, इतने इंटेलिजेंट थे क्लास में, तो पहले पहले थे, आल हरियाणा में पहले नंबर पर थे। इनकी राइटिंग इतनी सुंदर थी, हम देखते रह जाते दीदी ये उर्मिल कैसे लिखा है, ये बहुत इंटेलिजेंट थे, और साथ में खाया कर दे, पिया कर दे, राशिया कर दे। मैं तो एक बार ट्रेनिंग से छुट्टी जा रही थी, तभी मेरे को बस स्टैंड मिले तो इनके ये भेज देख कर मैं एकदम अचंभित होगी। मैं खाई वही है, ये कैसे पह रहे हो आप? आपने कई बार समाज में विधवा भी पहनती ना, तो मेरा वो हाट वो ही, मेरे को पहले ये नहीं दे रहा था ब्रह्म कुमारी का, तो मैं इसको पूछूँ नहीं, वैसे मन में करूँ हाँ ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, अब बाद में पता चला मेरे को, तो ये तो इस और वो हो गए। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका, जो मैं इस योग्य समझा इनने और मैं इतना सम्मान दिया मेरे को, मैं बहुत गौरवित महसूस कर रही हूँ, और भगवान इनको और ऊंचाई पर ले जाए। आज भी बहुत ऊंचाई पर हैं, अगर उस शिक्षा में रहते तो भी IAS बनते, ये मैं पक्की गारंटी थी इनकी, बहुत होशियार थे। भाई साहब अपना आप भी बोलो, सुनाएं। भाई साहब डॉक्टर नहीं, पता नहीं किस डिपार्टमेंट में, मैं किसी से टिकट बात नहीं कुछ डॉक्टर। आदर के मान और सम्मान के मेरी बहने, मातृशक्ति, बुजुर्ग साथी, बच्चे, जो आज इस संस्था ने मेरी पत्नी को इतना मान और सम्मान दिया है, मैं आज बड़ा फूला हुआ गौरव समझता हूँ।
और आज जो है ना हम वहाँ बैठे थे बहन जियों के पास, तो मेरे को आज ही इन्होंने बताया भाई ये टॉपर थी हरियाणा के अंदर और इतनी इंटेलिजेंट थी ये आईएएस भी बन सकती थी, लेकिन अब प्रवृत्ति का नाम है, ये संस्कृति का नाम है, कैसे इन्होंने इधर गया, समाज को उत्थान किया है, समाज को अच्छी लाइन पर लाए हैं, बड़े धार्मिक विचारों के हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ आज हमारा समाज जो है ना संस्कृति स्कूल और कॉलेजों के अंदर जो खासकर हमारी बेटियाँ दूसरी तरफ जा रही हैं, हमारा जो संस्कृति है जो दूसरे देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अडॉप्ट हमारी संस्कृति कर रही हैं, वो अडॉप्ट वो धार्मिक स्थान की तरफ जा रही हैं, लेकिन हमारी जो है ना संस्कृति हर दिन बदलती ही जा रही है। फैशन के अंदर आप लोग सभी देख रहे हैं, मेरी बहन माताएं जो भी कुछ बैठी हैं, हमारा मैं यही कह रहा था भाई ये जो है ना कॉलेजेस के अंदर ऐसे प्रवचन किए जाएं ताकि हमारा जो है ना बच्चा अपने सही लाइन पर चले, क्योंकि जो हमारा युवक है आज बिछड़ चुका है, नशे की तरफ जा चुका है, पंजाब तो ख़त्म ही हो चुका है। तो मेरी यही हाथ जोड़ कर है आप सभी जो है ना यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों को इस लाइन से लाओ, इस गलत लाइन से बचाओ, ये ड्रग्स जो है ना ये माफिया ये हमारे देश को ख़त्म करा जा रहा है। ओम शांति शांति। हमारे बीच में ऐसा बैठी हैं, पेपर वालों ने इनकी उत्तम सेवाओं को देखते हुए इनको एक अवार्ड दिया है, तो वो अवार्ड आपके सामने सबको प्रदान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी की क्लास के बाद तो मेरे ख्याल अब आप बीमारी को बीमारी नहीं समझोगे और मर गया डॉक्टर, डॉक्टर मर गया ये तो नहीं कहोगे ना आके। मैं तो यही कहता हूँ, मैं कह यार बीमार तो तुम हो चलो ठीक है, पर डॉक्टर मर गया तो ये तो थोड़ा सा तो ठीक करो ना इस चीज़ को। तो देखो समय जिस समय जिस तरह से चल रहा है अभी तो बहुत परीक्षाएं आएंगी और बहुत नज़दीक है हमारा लास्ट पेपर, वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। और एक ही पेपर है, क्वेश्चन भी एक है, बाबा ने ये प्रश्न पहले बता दिया हमको और वो है निश्चय।
परम पिता परमात्मा जिसको दुनिया ढूंढती आती है, आप जाओ कभी माउंट आबू, जाते हैं हम सब गए, ऊपर कोई कहीं मंदिर है, कहीं कुछ, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई साइकिल यात्रा कर रहा है, कोई जुलूस में जा रहा है, कहीं से चले आ रहे हैं, राजस्थान से, गुजरात से, इतना दुख पाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं उनके, चोट भी लगती है और कहीं मर भी, शरीर भी छोड़ जाते हैं, सिर्फ एक ही चाह कि कहीं से परमात्मा का पता लगे। और हम लोग कितने भाग्यशाली, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमें परमात्मा ने खुद चुन लिया। आओ बच्चे, देखा बाबा को कैसे हाथ खोल के, कि वो तो इंतजार में बैठा है, इंतजार में। तो अपना कुछ भी हो जाए, अपना निश्चय को हिलने मत दो, ठीक है। और जो भी बाबा का ज्ञान आता है, अब समय अपने बटोरने का नहीं है, औरों को दीजिए, ये खजाना बढ़ता चला जाएगा अगर आप रोज सुबह उठ के पहले भरो, अमृत वेले से अपने आप को चार्ज करो और फिर देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, लुटाते जाओ, इतना भर जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा आपका कर्म भोग कैसे खत्म हो गया। बस यही कहना था। ओम शांति। ओम शांति। अभी तक हमको आपने गाते हुए देखा होगा पहली बार दीदी के, तो ये जो सम्मान हम लोग ने 55 डॉक्टर्स को चुना था अपने हिसार में, दैनिक जागरण ने, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो एक हेल्थ आइकन अवार्ड हम लोग ने 9 तारीख को यही अपने मिड टाउन ग्रैंड में दिया था। कई बार फ़ोन भी किया था बट किसी कारणवश सर पिक नहीं कर पाए। बाद में ये पता चले कि दीदी आई है, तो इन्होंने खुद ही बोला कि हमें दीदी के हाथों से ये अवार्ड दिया जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तो फिर हमने कहा ठीक है, बस ओम शांति। Yeah.